भास्कर जी, हाँ तो आज आपने मुझे मैसेज किया था, राइट? हाँ गुरुजी नमस्ते। मैंने मैसेज ओके, किया तो था। आई वाज रियली हैप्पी टू हियर ऑल दिस मिरेकल्स इन योर लाइफ। हाँ गुरुजी सब आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ और करने वाला तो पहली प्रभु बार हुआ ऐसे भी है ना, जिंदगी में, पहली बार देख रहे ऐसे भी। है ना? एटलीस्ट बहुत पहली बार बहुत नहीं साल से हमने करूंगी। मेहनत किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन इस बार हो गया। वो अपने आप काम चालू हो गया वहां पे, खेती बाड़ी का सभी। मैं बैंगलोर में रहता हूँ अच्छा, आप बेंगलोर लेकिन में कहाँ वो पे हमारे रहते हो? पूर्वज के है, नहीं हुआ था तो अभी काम चालू हो गया, अपने आप शुरू हो गया अभी। हाँ, अपने आप काम शुरू हो गया, ग्रेट। ओके। सो देर आर अदर मोर पीपल, बट उनकी वीडियो नहीं आ रहे। आई थिंक दिस इज द 21st डे ऑफ आवर फ्री मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप। अगर हो सके तो आप अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। अनुश्री जी, नमस्ते। कैसे आवाज समझ आ में रहे आता? हो हजुर, आवाज आए? संजय संजय जी तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? आई म चाहिँ एकदमै ठिक छु। भोलि चाहिँ सामान्य वर्कसप छ दिल्लीमा, है? एम मिसिंग इट सर, आई एम हाँ वेरी मच मिसिंग इट। यति गर्न मन थियो, मे बी आई विल ट्राई फॉर कोलकाता, लेट्स सी। त उसमा चाहिँ आउनुहोस् न, कलकत्ता आउनुहोस् न। त्यहाँबाट सिलगढीसम्म त सिधै बस आउँछ, अथवा काठमाडौँबाट म डाइरेक्ट कलकत्ताको फ्लाइट पनि छ नि है। अहिले झापा जाँदैछु, त्यहाँबाट सिलिगुडी त नजिकै छ, होइन? हजुर मे बी हाँ आई विल कम, आई डोन्ट नो, हजुर बट आई विल ठीक कम छ मे ठीक बी। छ। सो मनमोहन जी, हाउ आर यू? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आई एम अच्छा मन, ओके ओके ओके। माय ओके लेफ्ट लेफ्ट राइट शोल्डर पेन वैनिशेस बाय हिप्नोथेरापी क्लास। वाह यू स्टार्टेड, वंडरफुल। दिस इज अ मिरेकल फॉर मी। हाँ सो फाइनली टुडे देर वॉज अ ह्यूज रेनफॉल हियर इन दिल्ली। कितने दिनों के बाद देर वॉज अ ह्यूज रेनफॉल, सो वी आर लिटिल हैप्पी टुडे दैट फाइनली अभी बारिश हो रही है। और मनमोहन जी, वहां पे कितनी बारिश है कोलकाता में? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। तो गर्मी कितना है फिर? गर्मी अभी थोड़ा कम है, पहले बहुत था, अभी हाँ ह्यूमिडिटी है ना हाँ बहुत हुई, इसलिए पसीना आता है बहुत। अच्छा, तो मुझे किस कपड़े अदरवाइज की कपड़ा लेके आना है फिर? कॉटन, कॉटन, ओके ओके कॉटन कलकत्ता ये बेस्ट बेस्ट फॉर कॉटन। राइट वी ऑलवेज वेयर कॉटन, ऑलवेज। ठीक है मनमोहन जी। तो दो साल के बाद मैं आ रहा हूँ कलकत्ता में, 2 साल के बाद। तो इट्स बीन 2 ईयर फाइनली नहीं, थर्ड थर्ड आप अबाउट द मनी राइट, ओके बट डोंट वरी अबाउट दिस बिकॉज यू नो आई अंडरस्टैंड आउट ऑफ ऑल दिस पीपल देर आर ओनली वेरी फ्यू पीपल हु डिड कंप्लीट 21 डेज प्रैक्टिस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग एवरी डे। ओके सो भास्कर जी, इफ यू आर देर आई वॉन्ट टू एटलीस्ट शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस 21 डेज। भास्कर जी इज हियर राइट? सो एन लास्ट ऑफ दिस मंथ विल बी ही स्टार्टिंग अनदर मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप। सो एंड रिमेंबर वन थिंग, ओके एवरी टाइम इफ आई टेक द सेम वर्कशॉप ऑल्सो दैट विल बी टोटली डिफरेंट एवरी टाइम। सो आई डोंट टीच फ्रॉम मैनुअल। मैं मैनुअल वाला पर्सन नहीं हूं कि मैं बस हर चीज वही मैनुअल में बताऊं। सो मेनी पीपल हु टेक माई इवन सेमिनिक वर्कशॉप ऑल्सो दे विल फील देर इज अज डिफरेंस बिटवीन ऑल माई आई मीन क्लासेस एवरी टाइम। तो अनोदर मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप इज गोइंग टू स्टार्ट। आई विल दीपक हाँ जी भाई, वो यार वो आपने लिंक डाला था, मैंने लिंक पे क्लिक भी किया था, पर मेरा व्हाट्सएप में कुछ इशू है। मैं अपने आप को आपके ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ न्यू मनी मैनिफेस्टेशन, तो आप ऐड कर देना प्लीज। ठीक है, आई विल बी सेंडिंग दैट लिंक नाउ ओनली। ओके, सो वो दैट लिंक का कुछ इशू है मेरा, एक्चुअली व्हाट्सएप मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया ना, तो आपका नॉर्मल व्हाट्सएप होने के कारण मैं ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप करोगे तो मैं हो जाऊंगा। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे ना ग्रुप की लिंक ही भेज देता हूँ आप लोगों को यहीं पे। नाउ ऐड आई एम बाय सेइंग योरसेल्फ। के बाकी सारे ऐड हो जाएंगे।
ट्राई मैं नहीं हो रहा क्योंकि मेरा ग्रुप व्हाट्सएप वाला बिजनेस ग्रुप है तो मैं नॉर्मल में ऐड नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं मैंने क्या बोला, एक बार ट्राई तो करो अभी। हाँ मैं कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। देखो ले गया डन। धन धन क्या है उस दिन मैंने बड़ी कोशिश की थी लेकर गया। हाँ डन 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 डन। सो दिस इज द लिंक फॉर न्यू मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप। देन यू कैन शेयर दिस लिंक विद द अदर पीपल ऑल्सो। आप अपने फैमिली को जोड़ सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ सकते हैं। यू कैन एड एनीथिंग, एड एनी वन फॉर दिस न्यू मैनिफेस्टेशन क्लास, राइट? क्लियर? दूसरी चीज ये है कि नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट, ओके, व्हाई वी नीड टू डू दिस अगेन एंड अगेन। हमें क्यों मनी मैनिफेस्टेशन या इस प्रकार के मैनिफेस्टेशन अबंडेंस के क्लास और ज्यादा रेगुलरली करते रहना है फॉर 20 ईयर, फॉर 30 ईयर, फॉर 40 ईयर ऑफ योर लाइफ। 30 साल, 40 साल, 50 साल जिस बिलीफ के साथ आप जिए हो, that has been, I mean, the very strong pathway ban chuka hai wo, right? So that has become a highway for a negative belief, negative emotion, negative feelings. Kiske liye? Money ke liye. Now you are creating a new highway from that same place, same part. To usko banne mein thoda sa time to lagega na. To yahan pe na, we have to take it very, I mean, logically. Let's just work very logically, right? Clear? Okay, so logically क्यों? तो important यही है कि जब तक आप okay, I mean to say, जब तक आप कोई भी चीज को continuously practice नहीं करोगे, आपके दिमाग में वो permanently हमें रखना है। Are you clear here? You need to put any belief, any feelings there in your mind very permanently. For that, putting that permanently, you need to work on it, a very long time, long way. Are you clear? Clear hai na yahan tak? Right? Okay, now, dusri cheez. Kya cheez maan ke chaliye? Ki, so how many people had been to the mountains? Hiknarok mountain में गए हैं। Yes, now when you have went to the mountain, you will see a different type of grass are there, right? वहाँ पे छोटे-छोटे grass होते हैं, छोटे-छोटे जो होते हैं ना, उसको catch बोलते हैं, I mean grass, जैसे जो दुर्बा हो गया ऐसे, okay? So if you walk there, आप एक बार उसमें चल लिए for a few seconds, for a few minutes, that grass will go this way, yes, then eventually that grass will come back, hai na, right, true? Did you understand what I mean? Yes, when you go, I mean when you walk through those small grasses, okay, for a few seconds, that grass will go this way and then again come back. Now if you walk that way for 10 days regularly, you will see so that the grass will slightly become like this, slightly. But if you did not walk for another 5 days also, grass will become like this again. Clear? Yes. Now abhi hamara kaam kya hai, if you walk there for 1 year, the grass will become flat. But if you did not walk for another 10 days also, grass will come back again. So this is the reality. Now I hope you are clear about this grass example. That is exactly about your life. That is exactly about your mind. That is exactly about your subconscious mind. Agar aap usme chaloge nahi. So that means you need to continuously walk that on the same way. If you are walking in the different way, wahan pe ab highway nahi banegi. You cannot create a highway. If you have to create a highway, you need to walk on the same path again and again and again, again and again and again for a very long time. If you start running the same way, if you do the morning walk, evening walk, if you start all your day over there again and again, now finally, वहाँ से वो grass ही चला जाएगा. So that once that has gone away, that very hard for grass to come back on that place again.
राइट क्लियर है, यहां तक एग्जांपल क्लियर है आप लोगों के लिए? यस, सो यू विल सी मॉड. नाउ वी हैव टू क्रिएट दैट मॉड. जैसे हमें उस मॉड को निकालने में जितना डिफिकल्ट होती थी, राइट, ओके, दैट वी नीड टू प्रैक्टिस सच अ वे, वी नीड टू प्रैक्टिस वन थिंग और द मिक्सचर ऑफ अदर थिंग, बट वी हैव टू प्रैक्टिस दैट कि हमें अपने दिमाग में डाल देना है कि मुझे यहाँ पे हाउ यू क्रिएट करना है तो करना है, देयर इज नो अदर वे. इफ यू आर क्लियर, आई वॉन्ट यू टू राइट क्लियर ऑन द चैट बॉक्स. Yes, now. So that means, okay, even with these 21 days of manifestation, there are so many people has got the miraculous result in their life. यहाँ पे जो भी मैंने meditation आप लोगों को सिखाया है, जो भी thought process सिखाया है, every time all those thought process are totally different. कि normally इस प्रकार के विचार रखने वाले या इस प्रकार के विचार सिखाने वाले लोग बहुत कम हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर पजल्ड इन देयर माइंड इज सो कॉम्प्लेक्स, ओके, और सोसाइटी ने आपको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है अब तक. सो दैट वाज द बिलीफ. क्योंकि वो बिलीफ कब डाला गया था, व्हेन द पीपल कम टू इंडिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंडिया, पीपल कम हियर इन ऑर्डर टू कंट्रोल यू. और उस टाइम पे जो चीज थॉट प्रोसेस आपके ऊपर डाल दिया गया, तो हमें उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है. अगर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आके जो जो हुकूमत की, हमें उस हुकूमत से बाहर निकलना है ना. पहले चीज तो क्लियर है, राइट, ओके. एंड जब तक हम उस थॉट प्रोसेस से जिएंगे नहीं जिस थॉट प्रोसेस में हमारे ऋषि मुनि थे. एंड इफ यू सी आवर ऋषि मुनि, वो तपस्या तो करते थे, उनके पास ध्यान साधना सारे इवन शक्ति थी, तपस्या की शक्ति थी, बट एट द सेम टाइम यू विल सी मोस्ट ऑफ द ऋषि आर मिलियनेयर्स. व्हेन समथिंग हैपन टू द कंट्री दे डोनेट देयर गोल्ड, व्हेन समथिंग हैपन टू देयर कंट्री दे गिव देयर लाइफ. तो कभी भी कोई भी ऋषि मुनि हो वो कभी भी गरीब नहीं था, कोई भी साधक हो वो कभी भी गरीब नहीं था. And आप देखोगे इवन एवरी टाइम व्हेन विष्णु कम टू दिस लाइफ ही वाज ऑलवेज द किंग, ही हैड दैट मच अमाउंट ऑफ गोल्ड ऑल द टाइम. वो कभी भी गरीब कभी भी नहीं थे. व्हेन इवन शिव आल्सो कम ही वाज नेवर पोर. और आपके लाइफ में ये तो आपके जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप धनी बनो, आपके आपके पास उतनी पावर होनी चाहिए, ये आपके जन्मसिद्ध अधिकार है. दिस इज योर बर्थ राइट दैट you deserve to be rich. Clear? Now, I mean, on this last class, I'm not going to teach anything. I'm just basically repeating the same thing, ki what should be done. Because जब तक अपने basic को ही अगर आप नहीं करोगे, अब ये जो हवे में उड़ने से कुछ भी नहीं होगा. Because that the base is the most important thing. That base is that your subconscious mind should understand that you are already rich. जब तक आपकी mind को पता नहीं चलेगी, बाहर के लोग थोड़ी आपके vibration को feel कर पाएंगे. जब तक आपको ही लगता है अरे यार मैं तो बस subconscious mind को training करने के लिए कर रहा हूँ, फिर भी मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है. आपने ऑलरेडी अपने ही प्रोसेस को रोक दिया ना, वहां पे तो काट दिया. यू आर योर सेल्फ कटिंग दैट द सेल्फ थिंग अगेन. आर यू क्लियर हियर? ओके, सो आई हैड शेयर द लिंक ओवर हियर. ओके, सो अदरवाइज आई विल शेयर दिस लिंक अगेन, राइट, ओके. सो यू कैन ज्वाइन आवर न्यू मैनिफेस्टेशन क्लास.
ओके सो दैट इज गोइंग टू हैपन विद इन दिस July 30 से फिर से नई क्लास शुरू होगी. आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन इट अगेन बिकॉज द मोर यू लर्न अबाउट मनी द मोर यू बिकम कॉन्शियस अबाउट मनी द मोर यू गिव द वैल्यू टू द मनी मनी विल गिव दैट वैल्यू टू यू एंड वंस बिकॉज जब तक मनी आपके पास में नहीं हो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली ओके जब तक मनी आपके पास नहीं हो that money is the power in this current world and money is that power money is that energy aap mane na mane so if you are working hard that means you are working for money and if you want to help people also the more the money you have you can help 1000 more people and money okay so yahan pe bahut sare log aise bolte hain money is the I mean root of all the evil right okay so many people tell this thing money is the root of evil now usko katna hai okay now what can be another word for this thing because we need to change a belief like this jo belief yahan pe hame diya gaya hai we need to change that belief yes What can we change it? Change it? Money is the root of all the good. Money is the root of all the good. Clear? Money is the root of all the good. Now, this process is going to change you now, because आपका thought process क्या था? Money is the evil. I mean, root of all the evil. वो wrong है. मान के चलो, कभी भी Those who are, I mean, those who are very rich people, they will never speak evil about the money. They will never teach such type of things to the people. But they will prepare for the other people ki wo dhani na ban jaye. Ye to aap logon ko sikhaya gaya hai ki aap dhani na bano. Aap dhani nahi banenge to karenge kya? Aap unke liye kaam karenge na fir. You work for them, so they want that you work for them. They don't want that you just sit with them together. And remember one thing: if your friend circle is with the rich people, if 10 rich people are with you, the 11th rich people will be you. If your friend circle are with the poor people, remember that that the 6th people on your friend circle, the poor 6th person will be you. Yes, money is root of all good. Yes, are you clear here? I hope you have enjoyed this 21 day journey. तो मुझे आशा है कि आप लोगों को इस 21 days की journey बहुत पसंद आ गई और यहाँ पे कुछ नई चीज सीखने को लिए मिला. अब इस journey को मैं ऐसा उसमें जाऊँगा. यहाँ से फिर से there will be another 21 day journey again. तो उसके बाद देर विल बी अनदर वी आर गोइंग टू लॉन्च अनदर प्रोग्राम ओके मनी विथ हिप्नोथेरापी ओके सो दैट विल बी द एडवांस क्लास आफ्टर द अनदर 21 डेज पहले आपको बेसिक क्लास लेंगे उसके बाद देर विल बी द अनदर क्लास मनी एनएलपी मनी हिप्नोथेरापी सो दैट वी विल बी इंक्लूडिंग ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑन एडवांस क्लास अगेन बट सो दैट विल बी आफ्टर दिस 21 डेज नेक्स्ट फ्री क्लास जब तक होमवर्क नहीं करेंगे ओके जब तक आप मनी के लिए थोड़ा सा सीरियसनेस नहीं होंगे आप दो घंटे कम सोने से कुछ भी नहीं होगा फैक्ट इज यही है सर ओके आप जो पढ़ा रहे एटलीस्ट विल बी अवेयर विद हैपनिंग्स लेटेस्ट हैपनिंग्स कुछ ना कुछ नया नया ज्ञान मिलेगा आई विल ट्राई टू टेल यू वन थिंग ओके हां बोलिए मोस्ट ऑफ द जापानीज पीपल राइट इंक्लूडिंग मी वी स्लीप हार्डली 4 आवर और 5 आवर अ डे हार्डली दैट आल्सो
many times, I mean, many of you know, I hardly sleep for 2 hours, 3 hours. And that is up to you, your mindset, if you are okay with that or not. If you really want something, okay, dreams are those who never let you sleep. Dreams are not that what you see while sleeping. Dream is that which will not let you sleep. सपने वो नहीं है जो आप सोने के साथ देखते हो, सोने के बाद देखते हो. सपने वो है जो आपको सोने नहीं देता. If you want to achieve that dream, yes. So when I'm ready for new project, when I'm ready for new class, मुझे नींद नहीं आता. Clearly, I'm so excited कि मुझे मैं कितनी जल्दी दे दूं या मैं कितना ज्यादा से ज्यादा मैं दे सकता हूं वाली फीलिंग्स आती है. मतलब पहले से आप 3 to 4 hours you are habituated to sleep. नहीं, that is what we need to create it ना प्रभुजी. That is what you need to train your subconscious mind. If Japanese people can do that, why not you? Okay. अगर आपको ज्यादा सोना है तो आप रात में जल्दी सो जाइए, बट अर्ली मॉर्निंग यू जस्ट वेक अप. ठीक है, मगर ये है कि दैट डिपेंड अपन योर साइकिल कि आप 4 घंटे भी सोओगे दैट कंप्लीटली इफ यू स्लीप नाइट स्लीप फॉर 4 आवर दैट विल बी इनफ फॉर यू. ओके. सो यहाँ तो प्रश्न ये नहीं है कि आपने होमवर्क नहीं किया, ये प्रश्न नहीं है कि आप होमवर्क करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बस. चक्रवर्ती जी, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू बैंगलोर वी विल डू अ मिड ब्रेन एक्टिवेशन, आई मीन क्लासेस ओवर देयर. नेक्स्ट थिंग वी विल डू द एडल्ट इंट्यूशन क्लास आल्सो नेक्स्ट टाइम. ओके, तो आप नहीं, दैट द इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग हाउ मेनी आवर यू स्लीप. ओके, इवन इफ यू स्लीप 8 आवर डजंट मैटर अबाउट इट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट यू आर डूइंग ऑन दैट 16 आवर व्हेन यू आर अवेक. जब आप जाग रहे हो 16 घंटे या फिर 20 घंटे, व्हाट यू डू, आर यू यूजिंग दैट फॉर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ और यू आर जस्ट ट्राइंग टू आई मीन मेक योर सेल्फ बिजी. Okay, so that the important is about what you are giving focus on, right? Yes, Lily, yes. Next time I will come to Bangalore, I will do this intuition class. Okay, yes, Guruji, when are you expected to Bangalore? Huh? When are you expected to Bangalore, Guruji? After 2 months, unless September, I will be coming. Okay, I may. Yes, Haji. हिप्नोथेरेपी का अभी नेक्स्ट कोई शेड्यूल क्लास होने वाला है सर जी. हिप्नोथेरेपी, आई मीन न्यू क्लास. हां, आफ्टर दिस आई मीन दिस हिप्नोथेरेपी क्लास विल फिनिश, देयर विल बी अनदर न्यू क्लास विल बी देयर. ओके, तो 15 दिन वेट करना पड़ेगा. यस, सो 10 डेज हैज गॉन, अनदर 11 डेज इज देयर. ओके, काठमाडौँ. यहाँ पे 2-3 जना कति धेरै मान्छेले बोलाइराख्नु भएको छ है. म एक्चुली बाहिरबाट आउँछु अनि आउँछु नि मायाजी. ल हुन्छ मायाजी, अब हजुरहरू हुनुहुन्छ बोलाउने मान्छे है. हजुर हजुर, मेरो एकजना साथी आउँदै हुनुहुन्छ भोलि काठमाडौँबाट, यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ. उहाँको ठुलो एउटा स्कुल छ काठमाडौँमा, फ्रॉम यू. There are so many people trying to sell their products to try to teach so many things to the people, motivationals, everything. But what you taught us, Guru, I think only God can teach. It was
a very, very good experience to go through this. I have already joined the new link. I have also been blessed to, you know, travel abroad. So when you said 2 months more to Bangalore, I'm feeling sad that I cannot meet you. And I remember once you said you stay in. I'm traveling to US. So I'm also planning to come to US in October. Okay, but US is so big, like, I don't know if we can see you there. I will be working out of Miami. So let's see if you can come down to Miami. I'm also planning to go to Miami, California, and Hawaii. Okay. Oh, excellent. Excellent. Let's see. And Deepak bhai, thank you very much. Even I loved it a lot. मतलब आज की रेट में भी अगर मुझे किसी से 10 रुपीस भी आ रहे हैं या मैं 10 रुपीस स्पेंड भी कर रहा हूं तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है आई एम फीलिंग रिच वाओ वंडरफुल एंड बहुत मिल रहा है तब से मतलब आई वाज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह से एंड तब से सब कुछ स्टेबल हो रहा है मतलब आई एम मैं एक बात बोलूंगी हां जी मनमन जी आई एम हम मैं आपके आभारी हूं आपके इस क्लास स्टार्ट करने के 4 दिन बाद मुझको बहुत मनी मिला दैट वाज अ वेरी बिग ह्यूज मनी या 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 आई वाज रियली सरप्राइज वंडरफुल जी यस ओके हेलो यस हां जी एंड आई वाज शेयरिंग वो बात कट गई मतलब इट वाज लाइक कि मैं कई बार कुछ खर्चता था मेरे को अंदर से होता था मुझे खर्चना नहीं है एंड इस टाइम आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो एक महीने में 35,000 भी खर्चना होना तो फटाफट कर देता है आई एम फीलिंग रिच गुड जाने दो यस ओके देन अब फिर मेरे यहां से हिप्नोथेरेपी की क्लास है ओके तो मैं आज के लिए इतना ही करता हूं बट वन थिंग इज दैट इज ऑब्वियसली We will be keeping in touch and this money manifestation new class will start from July 30. Okay. And I hope everyone will, I mean, join that new group so that we can steal. So my next class will be more about the Zoom class. Okay. Jab tak hum as a Zoom mein as a ek dusre se share kar sakte hain. YouTube mein at least you can see me, but there is not an interaction on a two-way. But Zoom class is sometimes far more easier, far more better for so many of us. I hope you have a wonderful day, wonderful night, and really thank you so much for being with me on this journey for 21 days. May God, may all the gurus will bless you, bless your family, yes, bless each and everything which is related with you, and give you more abundance, okay? Give you each and everything, whatever you want in your life. Same to you. Thank you, Guruji. God bless you. Thank you, Guruji. Same to you.